नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त मानवता को बचाने के लिए जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरस फैलाने वाला चीन अब अपने पड़ोसी देशों को बॉर्डर पर उकसाने और परेशान करने में लगा है। छोटे देशों को तो चीन हमेशा आंख दिखाता है, लेकिन भारत को आंख दिखाना चीन को अब भारी पड़ जाएगा। दरअसल चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है, सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। ऐसे में भारत समेत पड़ोसी देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बांटना चाहता है, लेकिन चीन की हर चाल को भारत समेत पूरी दुनिया जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बॉर्डर पर चीनी साजिश को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चीन की हर एक चाल नाकाम हो रही है। चीन की सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है, तो चीन इस तरह की उकसावे की कार्रवाई के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? सच्चाई यह है कि चीन भारत के साथ तनाव बढ़ाकर एक साथ कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है। आखिर क्या है चीन के चालबाजी के पीछे इसका कारण, आप देखेंगे रिपोर्ट में। कोरोना काल में बॉर्डर पर चीनी साजिश। भारत समेत पड़ोसी देशों को उकसा रहा चीन। दुनिया में भारत के बढ़ते कद से घबराया चीन। भारत चीन विवाद में सामने आया अमेरिका। कहा ड्रैगन का रवैया उकसाने और परेशान करने वाला। इसे ड्रैगन की ताकत दिखाने की सनक कहें या फिर अड़ियल रवैया, चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो उसने दुनिया भर में कोरोना फैलाया और अब वो भारत समेत अपने तमाम पड़ोसी देशों को उकसा रहा है। चीन का अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। छोटे देशों को तो चीन हमेशा आंख दिखाता है, लेकिन भारत को आंख दिखाना चीन को भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी इस वक्त अगर चीन भारत के साथ विवाद बढ़ा रहा है तो इसकी कई वजहें हैं। दरअसल चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है। सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। अमेरिका और भारत जैसे देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। चीन इसलिए भी तमतमाया है क्योंकि कोरोना काल में चीन की चालबाजियों को देखकर कई देश अपनी कंपनियों को चीन से हटा रहे हैं। ये कंपनियां भारत समेत जिन देशों का रुख कर रही हैं, चीन उनसे विवाद कर रहा है। तीसरी वजह चीन की विस्तारवादी नीति है, जिससे दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। और हिंदुस्तान के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो लद्दाख में इंसिडेंट्स हुए और सिक्किम हुए, उन्हें कहा कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चाइना जो है अपनी मस्कुलैरिटी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए बड़ा लाजमी है कि एशियन और दूसरे देश और क्वाड वगैरह जो है एकजुट होके कार्रवाई करें, ये इंश्योर करने के लिए जो इंटरनेशनल नियम है और रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका चाइना जो है उल्लंघन ना करे।
भारत से क्यों तनाव बढ़ा रहा है चीन। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की नीति है पहले किसी जगह पर अपना दावा करना, फिर धीरे धीरे उस जगह पर खुद को मजबूत करना, फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के दबाव में वहां की मीडिया भी सरकार के भोंपू की तरह काम करती है। चीनी सैनिक लगातार एलओसी पर तनाव बढ़ा रहे हैं और भारतीय सेना को उकसा रहे हैं। इस बीच चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा, चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियां कर रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राजनयिक ने भी भारतीय सीमा में चीन की हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया। व्हाइट हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बीजिंग अपने सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट व साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियां कर पड़ोसी देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का मजाक बना रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नया विवाद विश्व प्रसिद्ध पैगोंग सो लेक से जुड़ा है। लद्दाख में गलवान घाटी और फिंगर एरिया में विवाद के बाद जानकारी मिल रही है कि चीनी सैनिकों ने पैगोंग लेक में अपनी बोट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खबर ये भी है कि चीनी सेना ने अपनी बोट्स की तादाद भी यहां काफी बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लद्दाख की पैंगोंग त्सो लेक में चीन ने अपनी पेट्रोलिंग बोट्स की तादाद बढ़ा दी है। पहले यहां चीन की पीएलए सेना के 3 बोट्स रहती थी, लेकिन अब यहां 9 बोट्स हो गई हैं। साथ ही चीनी सेना ने पेट्रोलिंग भी यहाँ बढ़ा दी है। इस घटना को हाल ही में फिंगर एरिया में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प से जोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद से घबराया चीन। चीन अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते और भारत अमेरिका के बढ़ते रिश्ते से चीन परेशान है, क्योंकि इस दोस्ती के बढ़ने के साथ ही ट्रंप चीन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं। चाहे कोरोना हो या फिर दक्षिण चीन सागर, अमेरिका चीन के हर गुस्ताखी की सजा देने के लिए बेकरार है। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ मिलिट्री सहयोग भी बढ़ा रहा है। अमेरिका और भारत के ये गठबंधन चीन को परेशान कर रहा है। साथ ही चीन से सभी देशों की कंपनियां अपना कारोबार समेटकर भारत में करना चाह रही हैं। ये भी चीन की बौखलाहट का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा WHO में हर्षवर्धन की एंट्री से भी चीन की चिंता बढ़ी है। हालांकि ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि चीन और भारत की सीमा दुनिया में सबसे लंबी विवादित लेकिन शांत सीमा है, जिसमें 1975 के बाद से कभी गोलियां नहीं चली हैं। दोनों देशों ने हमेशा आपसी बातचीत से मामले को हल किया है, लेकिन चीन ने कोरोना काल में पूरी दुनिया से दुश्मनी पाल ली है। छोटे देशों से निपटना चीन के लिए आसान है, लेकिन भारत को आंख दिखाना चीन को इतना भारी पड़ सकता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।
लेकिन कोरोना संकट से जूझती दुनिया में चीन की चालबाजियां लगातार ये जारी हैं। चीन न सिर्फ भारत बल्कि अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों को उकसा रहा है, साथ ही अमेरिका को भी उकसा रहा है। चीन अपने पड़ोसी देश ताइवान पर कब्जा करने की साजिश भी अब रचने लगा है। वो इस छोटे से देश पर सैन्य और कूटनीतिक दोनों दबाव वो डाल रहा है। लेकिन ताइवान में दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही साई इंगवेन ने चीन को दो टीप कह दिया, एक देश को सिस्टम से नहीं चल सकता। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया जब कोरोना वायरस से जूझ रही है, उस वक्त चीन अपने छोटे पड़ोसियों को दबाव में ले रहा है। उसने ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलवा दिया। यही नहीं, चीन की नौसेना साउथ चाइना सी के करीब बोहाई सागर में युद्ध का महाअभ्यास भी कर रही है। युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान को धमकाने की साजिश। चीन का ये अभ्यास जो एक या दो दिन नहीं बल्कि 70 दिन तक चलने वाला है, इस युद्धाभ्यास के लिए चीन ने बोहाई सागर के 2000 किलोमीटर के हिस्से को बंद कर दिया। दरअसल चीन इस युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान को दिखाना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है। ड्रैगन की कोशिश है कि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके और इस दबाव के जरिए ताइवान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। इसीलिए चीन ने किया बोहाई सागर का चुनाव। बोहाई सागर को ही युद्धाभ्यास के लिए चुनने के पीछे भी चीन की घिनौनी मंशा है, क्योंकि बोहाई सागर और ताइवान की खाड़ी की बनावट करीब करीब एक जैसी है। दोनों जगह हालात भी लगभग एक जैसे ही हैं। और चीन युद्धाभ्यास के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो ताइवान के कब्जे वाले दोंगशा द्वीप पर भी कब्जा कर सकता है। पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहा चीन। इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने सबसे बड़े जंगी बेड़े को उतारा है, साथ ही तट पर कब्जा करने का भी अभ्यास किया जा रहा है। तट पर सेना को सुरक्षित उतारने के लिए अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। विमानों के जरिए दुश्मन की चौकियों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। साथ ही तट पर अपनी चौकियां बनाने के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से भी अभ्यास कर रहा है। कोरोना संकट में भी सेना की ताकत बढ़ा रहा चीन। कोरोना वायरस की महामारी के संकट के बीच चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को चीन की संसद की सालाना बैठक में जारी की गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। हालांकि चीन के सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की दर पिछले साल के मुकाबले कम है। चीन ने 2019 में रक्षा बजट में 7.5% की बढ़ोतरी की थी। चीन ने सैन्य खर्च के लिए 1.268 ट्रिलियन युआन यानी कि 178.11 अरब डॉलर आवंटित किए हैं। चीन के भारी भरकम रक्षा बजट से पता चलता है कि वह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने को लेकर किस कदर आक्रामक है। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ा है।
ऐसे समय में चीन अपने रक्षा बजट बढ़ाकर और युद्धाभ्यास के जरिए चीन की कोशिश साउथ चाइना सी में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दूसरे देशों पर दबाव भी बनाना है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही अपने जंगी बेड़े को साउथ चाइना सी की तरफ रवाना किया है। ऐसे में चीन अमेरिका को यह भी दिखाना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है। ये भी है चीन की मंशा। जानकारों का मानना है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन ये भी चेक कर लेना चाहता है कि उस पर यदि हमला हुआ तो वो बीजिंग की सुरक्षा कितने कारगर तरीके से कर पाएगा। इसी के लिए मिसाइलों और लड़ाकू विमान को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। ट्रंप ने साउथ चाइना सी की तरफ से 3 युद्धपोत रवाना किए, साथ ही प्रशांत महासागर में उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया। अमेरिका का आरोप है कि चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा कर वहां से अवैध तरीके से कच्चा तेल और दूसरे खनिज निकालना चाहता है। उधर अमेरिका के जंगी बेड़ों ने साउथ चाइना सी की तरफ से आने के बाद चीन ने चेतावनी दी है कि वो हर कीमत पर युद्ध के लिए तैयार है। जवाब देने के लिए तैयार है ताइवान। उधर ताइवान ने भी दोंगशा द्वीप पर युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी। ताइवान जून के अंत में दोंगशा द्वीप पर युद्धाभ्यास करेगा और अपनी फायर पोजीशन को चेक करेगा। फिलहाल चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ताइवान ने दोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन भी तैनात की है, साथ ही 40 mm, 81 mm और 120 mm मोर्टार भी दोंगशा द्वीप पर तैनात कर दिए गए हैं। ताइवान पर कब्जे की चीन की इन हरकतों को जवाब ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन ने भी दिया है और अमेरिका से मदद मिलती देख वेन का हौसला भी काफी बढ़ा हुआ है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए साई इंग वेन ने सख्त लहजे में कहा है कि लोकतांत्रिक ताइवान चीन के नियम कायदे कभी कबूल नहीं करेगा। चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खुद खोजना होगा। साई इंग वेन ने साफ किया कि ताइवान कभी भी चीन के वन नेशन टू पॉलिसी सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टीवी। लेकिन चीन इस वक्त अपने पड़ोसी देशों को उकसाने और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो भारत के खिलाफ पड़ोसी पाकिस्तान के साथ ही साथ अब नेपाल को भी उकसाने लगा है। यही वजह है कि भारत के सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले नेपाल ने अपने सुर अब पूरी तरह से बदल लिए। नेपाल ने अपने देश का विवादित नक्शा भी जारी किया। नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 इलाकों पर अपना दावा भी जताया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नेपाल को अचानक से हो क्या गया। रिपोर्ट आप देखिए। चीन ने इन दिनों बॉर्डर पर भारत की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि चीन के हर चाल का माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी दोस्त माने जाने वाले नेपाल ने अपने सुर बदल लिए हैं। नेपाल ने अपने देश का विवादित नक्शा जारी किया। नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 इलाकों पर अपना दावा जताया है। ये नक्शा है उत्तराखंड का लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वो तीनों इलाकों को किसी भी कीमत पर वापस लेकर रहेंगे और अगर भारत इससे नाराज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने नेपाल की इस हरकत का विरोध किया और कहा है कि ऐसे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जो ये साबित करते हों कि तीनों इलाकों पर नेपाल का अधिकार है। दरअसल
यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को मानसरोवर रास्ते से जोड़ने वाली एक नई सड़क का विगत 8 मई को उद्घाटन किया था। नेपाल ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि वह इस क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपुलेख सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल ने ऐसे वक्त पर सीमा विवाद को हवा दी जब भारत और चीन की सेना लद्दाख में आमने सामने है। इससे कहीं न कहीं यह संदेश जाता है कि काठमांडू में होने वाले फैसलों में चीन का दखल काफी बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पड़ोसी देश नेपाल को एकदम से हुआ क्या, नेपाल ये सब आखिर कर क्यों रहा है। इसका सीधा जवाब है कि चीन नेपाल को ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत नेपाल के बीच टेंशन का कोई चाइनीज कनेक्शन है, क्या नेपाल का नया नक्शा मेड इन चाइना है, और यदि नेपाल के पिछले राजनीतिक संकट पर ध्यान दें तो चीन के साथ उसके गठजोड़ की आशंका को बल मिलता है। मई की शुरुआत में नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया था और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि संकट से बचने के लिए ओली ने चीन से मदद मांगी थी और उसी मदद की कीमत वो भारत के साथ सीमा विवाद खड़े करके चुका रहा है। 2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए हाथ मिलाया था। यहीं से नेपाल की राजनीति में नई दिल्ली की बजाय बीजिंग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। पहले नेपाल ने कभी भारत के साथ इस तरह का विवाद खड़ा नहीं किया। उसकी तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए लिपुलेख के पास भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण पर आपत्ति नहीं उठाई गई, लेकिन अब वो भारतीय क्षेत्रों को अपना बता रहा है। यहीं पर नेपाल के मनसा पर सवाल खड़े होते हैं। चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है। सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। अमेरिका और भारत जैसे देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि नेपाल के इस बदले सुर के पीछे कहीं न कहीं चीन का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। बेशक चीन अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। दुनिया की घेराबंदी का नुकसान उसे उठाना पड़ेगा और भारत पर आंख उठाने से पहले उसे ये भी याद रख लेना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है जो कभी भी एक्शन ले सकता है। देखते रहिए नवतेज टीवी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।